जैसा हम आपको वीडियोस में बता रहे हैं अपनी, आजकल की फॉल सीजन चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं हमारे पेड़ के यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। पर जब ये फॉल आती है तो इसका मतलब होता है मौसम चेंज, और मौसम चेंज मतलब बीमार बच्चे। तो हमारे भी दोनों बच्चे बीमार हो गए, दोनों की नाक बह रही है, और छोटे वाले को डबल ईयर इन्फेक्शन हो गया है, हम उसकी दवाई लेने जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जब मौसम चेंज होता है तो यहाँ पे फ्लू शॉट्स लगाते हैं, तो हम भी चारों फ्लू शॉट्स लगवाने जा रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट है, और ताकि हमारी बॉडी फाइट कर ले फ्लू के अगेंस्ट इस विंटर सीजन में अगर कोई आता है। बाकी ये फॉल है, पत्ते सारे गिरे पड़े हैं, हमारा ड्राइववे पूरा भरा हुआ है पत्तों से। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में हमारा फ्लू शॉट लगा है, और फ्लू शॉट लगने के बाद थोड़ा सा सीन प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि जब सुई लगती है तो बच्चे स्पेशली रोते हैं। और ये देखो, ये अपनी बैंडेड उतरवा रहा है, कह रहा है मुझे नहीं लगानी, ओ नाक बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, मम्मा टीयर्स, और ये नोजी प्लीज। और ये दूसरा वाला भी देखो, इसके भी आंसू और नाक दोनों बह रहे हैं। या इसके ऊपर स्टिकर्स मिल गए, ये खुश है। सम कभी जिंदगी मौज है या आप कैसे हो मम्मा? We were in and out in less than 3 minutes, I think. Yeah. So it was sad, and they cried, and we didn't like it either. But we're all vaccinated against the flu, so we're good till 6 months. We'd rather not be sick. Exactly. Yeah. तो चलो जी, ये तो था vaccinations, flu shot के against. मिलते हैं. तो जी, मेरे को अलिसा ने ड्रॉप कर दिया, वो बच्चों की मेडिसिन लेने जा रही है फार्मेसी पे, और मुझे कुछ घर पे काम था तो मैं उतर गया। और जब मैं उतरा ना, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि यार ये तो पूरा एक, जो हमारे पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज और एक और एक्टर था जिमी शेरगिल, पूरा मोहब्बतें वाला सीन हो रहा है, जैसे पत्ते ऐसे ही थे। आप भी बताना मुझे, क्या आपको ऐसा लग रहा है या नहीं? बहुत जबरदस्त, ये बिल्कुल घर के बाहर हमारा ये पेड़ इतना सुंदर। तो सुबह मम्मी हमारे वैक्सीन फ्लू शॉट तो लग गए थे हम चारों को, अभी तक थोड़ी सी बाजू पे दर्द हो रही है। तो हम जैसे आपको दिखा रहे हैं वीडियोस के द्वारा अपने फॉल के बारे में, यहाँ पे पहले हमने फायरप्लेस पेंट करी, फिर हम पैलेट्स लेके आए, अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे होता है मम्मी एप्पल साइडर, एप्पल साइडर वो एक ड्रिंक होती है जो कि फ्रेश एप्पल, वो आप बना सकते हो, क्योंकि हम वाशिंगटन स्टेट में हैं, हमारे पास एप्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, इतने खाए नहीं जाते, तो यहाँ पे फिर लोग तरीके ढूंढते हैं कि उनको कैसे यूज़ करें। यहाँ पे तो सड़कों पे ऐसे गिरे पड़े हैं। हाँ जी, सड़कों पे मिल जाते हैं आपको। तो हम अलिसा के पापा के यार्ड से फ्रेश एप्पल्स तोड़ के लाएंगे और उसका एप्पल साइडर बनाएंगे। हाँ जी, तो एप्पल साइडर होता है बेसिकली एक एप्पल का जूस, उसको उबाला जाता है एप्पल्स को, फिर उसको जूस निकाला जाता है और उसमें डाली जाती है दालचीनी, एक बड़ी गरम गरम विंटर की या फॉल की ड्रिंक बनती है, बहुत स्वाद। अच्छा, आपको भी टेस्ट कराता हूँ। हाँ जी, तो आपको भी दिखाते हैं हम कैसे ये बनाते हैं। तो चलते हैं, अलिसा के पापा को परेशान करते हैं कि हम आ गए फिर से और हमें एप्पल्स दे दो। चलो आओ चलें। और देखो जी, ये पत्ते गिरे पड़े हैं हमारे, फॉल का सीज़न है, येलो येलो पत्ते हुए पड़े हैं, और पत्ते का साइज मैं आपको दिखाता हूँ। तेरे मुंह से भी बड़ा है। मुंह से भी बड़ा है। हाँ, मुंह से भी बड़ा पत्ता। हेड से भी ऊपर जा रहा है। हाँ।
फॉल चल रही है जी, फॉल। तो हम इनके पास आए यहाँ पे एप्पल्स लेने के लिए, पर इन्होंने बताया कि क्योंकि सीजन हो रहा था, बारिशें शुरू हो रही थी, तो इसके पापा ने एप्पल्स ऑलरेडी, मम्मी ने और जो एक्सचेंज स्टूडेंट है सबने मिलके एप्पल्स ऑलरेडी तोड़ लिए और इन्होंने इसमें भर दिए। ये वो वैगन है जिसमें समर और कबीर इकट्ठे बैठते हैं और सैर के लिए निकलते हैं। कभी नानू लेके जाते हैं, कभी नानी लेके जाती हैं। तो हमारी मेहनत थोड़ी सी बच गई, तो अब हम इसको लेके जाएंगे और बनाएंगे। चलो ठीक है, डाल दो। Here's Nanu and Nani. Thank you. Welcome. Enjoy. Can we take a bite out of that one? तो अलिसा ने इनके टुकड़े करके काट के पॉट में डाल दिया उबालने के लिए। दालचीनी इसने डाल दी, यानी कि सिनेमन, थोड़ी सी चीनी और ये गई लौंग। एक घंटा हो गया, दो घंटे और, तीन घंटे हो गए, एक घंटा और। तो अब ये एप्पल छन रहा है। छनने के बाद नीचे उसका एप्पल जूस, एप्पल साइडर तैयार है। अच्छा, वो बस उसको पी लो। yeah. अच्छा, I'll just warm it up, like give it another boil. गरम गरम, वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चाप Just now we were leaving to go to Costco and we saw that a big branch had fallen in our driveway. So Sagar had to go pick it up. Oi. Dada bare mummy. ये रोड के बीच में एक ब्रांच गिर गई, तो लोग आ रहे हैं और ये हमारे जैसे लोग हैं जो खुद ही साफ करेंगे इसको। तो मैंने उनको ऑफर करी थी अपनी हेल्प कि अगर उस बड़ी ब्रांच को हटाना है रोड से तो मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा लगभग 20 मिनट लगेंगे इस सब में करने में। तो मेरे पास गाड़ी में बच्चे हैं, मम्मी हैं, लिसा हैं, तो मैं नहीं उनकी हेल्प कर पाया, पर ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए थे हेल्प करने के लिए। तो हम निकल पड़े फिर कॉस्को की तरफ। तो अभी जैसे यहाँ पे आंधी तूफान आया है, तो उसकी वजह से पावर लाइंस वगैरह कुछ टूट गई हैं, ब्रांचेस कुछ गिर गई हैं, तो उसमें ट्रैफिक लाइट्स भी खराब हो गई हैं। पर यहाँ पे अभी अलिसा ने आपको दिखाया और दोबारा दिखाते हैं, जब ऐसा होता है कि ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो है कहता है कि मैं पहले निकलूं। ट्रैफिक लाइट खराब होने के बाद स्टॉप साइन का सिस्टम बन जाता है, जिसमें जब आप आते हो यहाँ पे आपको राइट ऑफ वे देना होता है दूसरी गाड़ी पे। आपने जैसी वो दे दिया, उसके बाद फिर आपकी बारी आ जाती है और आप जा सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग खुद ही करते हैं, पुलिस की गाड़ी कोई आई नहीं अभी मैनेज करने के लिए। तो लोगों में खुद सेंस इतनी है कि उनको ट्रैफिक जाम नहीं लगाना, और हर एक बंदा ज़रूरी है, हर एक का टाइम कीमती है, पर एक सिस्टमैटिक वे से जाना होता है। Wi-Fi mug. फोन से है। Oh my God. नया तरीका चलाने का, आप भी जरूर ट्राई करिए। हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे स्टोर पे अवेलेबल है। Summer wants to be a race car driver, so I'm trying to find something like that. अच्छा। Pumpkin still for sale. बड़े बड़े पेठे। Jumbo pumpkin. It's like 29. दिवाली आ रही है,
तो यहाँ पे कॉस्को में भी हल्दीराम के स्नैक्स मिल रहे हैं, सोन पापड़ी यानी कि पतीसा। अभी आंधी आई थी थोड़ी देर पहले और अब एकदम धूप निकल आई, मौसम अच्छा हो गया, मौसम कहीं नहीं पता लगता है। तो जैसे आंधी आई थी अभी काफ़ी तेज और काफ़ी पेड़ पौधे ब्रांचेज वगैरह टूट गई थी और गंद मच गया था काफ़ी। तो इसके पापा के पास एक बड़ा पावरफुल लीफ ब्लोअर है जो मेरे ख्याल 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा फेंकता है, तो वो आए हैं और हमारे उसकी सफाई कर देंगे। वो भी कर रहे हैं, ये देखो, वो देखो कैसे एकदम सब साफ हो जाता है। ये जो भी आपने टाइम लैप्स शॉट देखा उसको लेने के लिए मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया क्योंकि वहाँ से थोड़ा हाइट से अच्छा व्यू आता है और थोड़ा क्लियर हो जाता है और जब सफाई होती है तो अच्छा दिखता है। मैं पूरा सेफ हूँ, बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, पर यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। आज सनसेट बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरे पीछे येलो लीव्स हैं जो कि लगभग झड़ गई हैं, फिर इधर भी येलो लीव्स हैं जो लगभग झड़ गई हैं, उधर भी येलो है, बहुत सुंदर है। क्योंकि मैं अपने घर के छत पे हूँ, हमारे घर के अंदर स्काई लाइट्स हैं जिसका मतलब होता है कि घर के अंदर ही छत पे छेद करा हुआ है और उसमें शीशे की विंडोज लगा रखी है एक तरह से छत पे, उसको स्काई लाइट बोलते हैं। तो हमारी एक किचन में भी विंडो है और नीचे अलिसा कुकिंग कर रही है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। He's the man. That's a lot of work. Yeah. Great job. Thank you, Dad. You're welcome. तो ये उन्होंने कर दी सफाई, वो पड़े हैं थोड़े से पेड़ जो हमारे इस पेड़ से टूट के गिरे हैं, वो पेड़ खाने लायक नहीं है पर इनके पास चिकन्स हैं तो ये कह रहे हैं मैं ले जाऊंगा और चिकन्स मीठे मीठे पेड़ खा लेंगी। और मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड हो गई है एकदम, बाहर बर्फीली हवा चल रही है, पर बहुत बढ़िया साफ सुथरा हो गया। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस में फायरप्लेस चल रही है, अंदर बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट हो रहा है और फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, तो हम अपने घर को और कोजी बनाने के लिए मैंने दो दिन पहले लाइट्स लगानी शुरू करी थी, स्ट्रिंग लाइट्स अंदर रूम में, लिविंग रूम में, पर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, कुछ बच्चों के कारण, बच्चे बीमार चल रहे थे और कुछ इधर उधर के काम थे। अब फाइनली मुझे मौका मिला है, अब मैं इनको पूरा लगाऊंगा अपने रूम के चारों तरफ और थोड़ा सा जो ऑलरेडी कोजी लिविंग रूम है उसको और कोजी बनाएंगे। तो जी लाइट्स लग गई, गरम गरम एप्पल साइडर आ गया और अब इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता लगता रहे हमारी वीडियोस कब आ रही हैं। और कल है हैलोवीन और हम यहाँ पे प्लान बना रहे हैं ट्रिक और ट्रीटिंग करने का, आपको वो हम सब दिखाएंगे। समर की कॉस्ट्यूम हमने ऑर्डर करी है,
वो आ गई है, तो कल हम जाके वो सब करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।